गुरवे गौरचंद्राय राधिकाई तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी की जय, राधा रमन बिहारी की जय, राधा गोविंद की जय, एकादशी तिथि की जय, अतिथि पालन करे भक्त वृंद की जय, पिता ही गौर भगवान हरे हरि बोल। गुरुदेव स्मृति गुरुदेव मित्रेला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म संन्यास गुरु मित्रेला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्षद परम गुरु महाराज सरस्वती प्रभुपाद श्री रूपानु गुरुवर्ग जन के अनंत दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के चरण में दंडवत प्रणाम। सभा में उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद सभी के चरण में अनंत दंडवत प्रणाम। सादर अभिनंदन एवं अतिथि कृपा की वंचा करता। हम लोगों ने श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ बड़ोत यहाँ से श्रील भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के शतवार्षिकी उपलक्ष्य में बहुत सुंदर भागवत कथा सप्ताह हुई और जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा रथ यात्रा बहुत सुंदर रूप में सुसंपन्न हुई है। तो गुरु वैष्णव के आशीर्वाद ही हमारे लिए एकमात्र पाथेय है। पाथेय मतलब कि जीवन में चलने का जो मार्ग है तो उसमें जैसे जाते हैं साधन करते हैं तो ना उन कुछ देना पड़ता है। जैसे कार में जाएंगे तो उसको किराया भरना पड़ता है कुछ है। तो उस प्रकार भक्ति मार्ग के एकमात्र पाथेय जो है वो गुरु वैष्णव का आशीर्वाद ही है। तो पूज्यपाद महाराज जी का आदेश से कल गुरु तत्व के बारे में चर्चा किया था। जो वैष्णव गुरु के क्या लक्षण है ना, गोस्वामी लोगों ने शास्त्र में वेद वेदांत में बहुत सारा वर्णन किया, लेकिन हम लोग जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो सुबह सुबह गाते हैं संसार दावा नलिन लोकर, इसी में ही हमारे गुरु महाराज के पूरी महिमा यहाँ पे समा हुआ है। एक सदगुरु वैष्णव गुरु का क्या लक्षण है संपूर्ण रूप में इसमें सुंदर रूप में दिया हुआ है। तो कई कई गुरु को मानते हैं, वैष्णव को इतना मानते नहीं है। तो गुरुदेव हमारे जो सबके गुरु के गुरु वो कौन है? भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ देव है। मोर नाथ जगन्नाथ मत गुरु जगत। अब हम उनको देखा नहीं है ना, तो उनको उनकी मन के अभिष्ट पूरा करने वाले हमारे स्वर्ग गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी है। उन लोगों को भी हमने नहीं देखा।
अब उन लोग का महाप्रभु की इच्छा को विचारधारा का पूरा करने वाले गोस्वामी लोग हैं और उन गोस्वामियों को इच्छा पूरा करने वाले सरस्वती प्रभुपाद है। सरस्वती प्रभुपाद हम गोस्वामी का जो विचार है वो सब ग्रंथ में है। अब इतना ग्रंथ हम भी पढ़ते भी नहीं और इतना विचार भी नहीं समझ पाते, ठीक है ना। किसी ने कहा कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं गए और किसी ने कहा वृंदावन छोड़ के गए, किसी किसी कल्प भेद में ऐसा ऐसा है। ऐसा नहीं है कि गोस्वामी लोग अपनी मन से अपनी मनमानी कुछ लिख दिया हो ना, अपराध हो जाएगा। इसलिए हम गोस्वामी को पहचानने के लिए हमें सरस्वती प्रभुपाद के शरण में आना होगा। उन सरस्वती प्रभुपाद के विचार जो है हम लेके चल रहे हैं। हमारे जितने भी गौड़ीय वैष्णव प्रचार कर रहे आचरण एवं प्रचार वो एक सरस्वती प्रभुपाद को केंद्र करके कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद के विचार से हट जाए तो फिर सब गड़बड़ हो जाए। इसलिए प्रभुपाद के भी जितने भी उनके शिष्य थे सब प्रभुपाद प्रभुपाद के अलावा कुछ नहीं जानते, क्योंकि जो गुरु हैं आचार्य हैं, शास्त्र में कहा कि आचार्य मांग बिजानिया, सभी वेदमय गुरु बताए ना, न मूर्ता बुद्धा सहित सर्व वेद वय। ये बात जो आचार्य है उनको साधारण मनुष्य करो, मनुष्य साधारण मनुष्य बुद्धि करेंगे तो अपराध हो जाए। मेरा ही सर्व जान, इसलिए शिष्य के पास गुरु साक्षात भगवत स्वरूप अभिन्न भगवत स्वरूप जानना, तभी भक्ति हो पाएगी अन्यथा नहीं है। हाँ, गुरु के ऊपर चालाकी करेंगे चतुराई करेंगे नहीं, गुरु क्या जानते हैं हम है? गुरु कितने पढ़ा लिखा है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। इस तरह से विचार रहेगा तो कभी भी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी, भक्ति होगी नहीं, बढ़ने की तो जरूरत की बात है। इसीलिए हरौ रुष्ट गुरु स्त्राता गुरु रुष्ट न कश्च तस्मात् सर्व प्रजत्न गुरु में वो प्रसाद है। हरि रुष्ट हो जाने से गुरु संभाल लेते हैं। इसीलिए भगवान महाप्रभु जो है महावदन्न, कृष्ण वदन्न है, महाप्रभु महावदन्न है, और हमारे गुरुवर्ग क्या है, महा महावदन है। बोलो गुरुदेव की जय, गुरुवर्ग की जय। इसलिए हम कथाएं करते हैं सुनते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें गोपियों की बातें बोलते हैं, लेकिन अपने परिवार में ठीक अपने एक दूसरे से मिलने विचार मिलता नहीं है, एक दूसरे का मुख नहीं देखना चाहते, तो ये क्या, बाहर के लोगों को पता है सर। इसलिए हम रक्षा करना है संप्रदाय को, प्रभुपाद को विचार लेकर चलना है, तो सब हम लोग मिल के उन प्रभुपाद के विचार, गुरु की क्या इच्छा है ना, प्रभुपाद की जो इच्छा थी वो हम करना है, अन्यथा हमारा जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। इसलिए प्रभुपाद की अंतिम इच्छा भी यही थी, उन्होंने अंतिम समय में जब है ना बाग बाजार गोड़ीमठ में जो उन्होंने शरीर छोड़ा है, उन्होंने अंतिम उपदेश आपने पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है, जल में ईंट काट पत्थर के मिस्त्री बनने नहीं आए हैं, रूप रघुनाथ की वाणी को प्रचार करना है। अब प्रचार वही करेंगे जो आचरण करते है ना, आचरण नहीं करेंगे प्रचार करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको आचरण विहीन प्रचार को कर्म अंग बताए, वो कर्म हो जाएगा भक्ति नहीं होगी और वो जगत ध्वंस का कारण भी बन जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा अपनी आचरी धर्म जीवेरी सिखाए, अपनी ना कोई धर्म सिखाना ना जाए। इसलिए हमारे
वैष्णव जन गुरुजन उन प्रभुपाद को विचार लेके चल रहे हैं और प्रभुपाद के उन्होंने कीर्तन लिखा है दुष्ट मन तुम किशोर वैष्णव। तो मेरी इच्छा है काल गुरु की बारे में बताए, वैष्णव की तत्व के बारे में बताए, क्योंकि जब गुरुदेव बावनगर सिंह बारे बोलते तत्व दर्शन जो है हर चीज में, जब तत्व दर्शन हम समझ में नहीं आएंगे तो हमारी सेवा अधूरी रह जाएगी, है ना। तो वैष्णव श्रद्धा के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, श्रद्धावान जन भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। वैष्णव जब दीक्षा ले ली तो वैष्णव है, लेकिन उनकी श्रद्धा भी कोमल है और उनका लक्षण भी बताया, जो भगवान की पूजा अर्चन करते हैं भगवान में जो श्रद्धा है उतनी श्रद्धा भक्तों में नहीं है, तो समझो वो अभी कनिष्ठ अधिकारी। और मध्यम अधिकारी क्या है, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो करते से मध्यम, कृष्ण से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री यानी मित्रता दोस्ती रखते हैं, और जो मूर्ख है बारिश को कृपा करते हैं, और जो भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, है ना, भगवान से भक्तों से विद्वेष करते हैं उनको उपेक्षा कर देते हैं, ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। और उत्तम अधिकारी की वैष्णव जो है जहां जहां नेत्र बढ़े इष्ट दिवस जिधर भी देखी राधे तू ही नजर आ रहे, जिधर देखू राधे तू ही नजर आ रहे, ये उत्तम अधिकारी। तो इसलिए हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सद सावधान सावधान, इसी कीर्तन में आखिरी लाइन में कह रहे हैं कांदिया कांदिया बोले अमित अधम सिखाओ शरणागति करा उत्तम, मैं अधम हूं हे महाप्रभु हे ठाकुर जी हमें उत्तम करो, कांदिया कांदिया बोले। इन सड़क सड़ंग शरणागति होई बिजहा तहार प्रार्थना समस्या, इन शरणागति में क्या बताए, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्षस्थित विश्वास गप्तर्थ वर्णन तथा आत्मनिच सड़विधा शरणागति, जो भजन के अनुकूल है वो करना है और जो प्रतिकूल है नहीं। लेकिन हम संसारिक जीव होने के नाते हम चाहते हैं कि नहीं हमारा भी धंधा भी चले और भक्ति भी हो जाए, है कि नहीं। अपराध मत लीजिए, आपकी मन की बात बता रहा हूं, हमारी नहीं अपनी मन की बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा, दो नाव में पार धक्के नहीं चल सकता। इसलिए जो प्रतिकूल है वो प्रतिकूल ही रहेगा, वो कभी भी अनुकूल नहीं होगा। इसलिए प्रतिकूल करने की बात छोड़ो, उनकी सोचना भी पाप, है ना। इसलिए मैं जब हमारे पूज्य पद माधव महाराज के साथ परम पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज से मिलने गए थे फरीदाबाद में, वहां पे हॉस्पिटल में से आ गए थे, तो उन्होंने शरणागति के ऊपर पद बताया, बोलते जो शरणागत है भगवान रक्षा करते हैं। हम तो शरणागत बहुत नीचे मानते हैं, हम तो राधा दास से भक्ति करते हैं, और संत महाराज तो ये शरणागति की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसलिए शरणागत जो है, ये शरणागति जो प्रतिकूल है ये छोड़ेंगे नहीं, तो राधा दास से भक्ति तो बहुत की जन्म जन्म की बात है, हम प्रतिकूल नहीं छोड़ रहे, आजकल परिस्थिति देख के बता रहा हूं मैं। हरि कथा कीर्तन में मठ मंदिर बहुत खुला हुआ है,
लेकिन हरि कथा के प्रति कितनी रुचि हुई बताइए, यहां पर ही पता चल जाएंगे जहां मेरी भक्ति बढ़ रही है कि घट रही है। मठ मंदिर बहुत है, खुला पड़ा हुआ है, ऐसे कबूतर वहां पे रह रहे हैं और बच्चा दे रहे हैं बस, लेकिन वहां पे कथा कीर्तन नहीं है। मंदिर में है ना, मंदिर की कमी नहीं है लेकिन कथा कीर्तन। सरस्वती प्रभुपाद कहते थे जहां हरि कथा वहां ही तीर्थ है। साधु संघ में नहीं आप तीर्थ में जाके क्या होगा, विशेष कुछ लाभ नहीं है। इसलिए महाराज के अंदर ये उत्साह देखा मैंने और मुझे भी अच्छा लगा। इसलिए कथा में मठ मंदिर मतलब कथा है ना, कथा की चर्चा। ये मठ मंदिर छात इसलिए बनाया गया कि कथा कीर्तन हो, और खाने पीने का पेट पालने के लिए तो बहुत होटल खुला हुआ है कि नहीं, वहां पे पेट पाल ले। इसलिए भाई अगर ये हरि कथा ही हमको बचाएंगे, याद रखना ये कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है कि मैं बोलूंगा मैं बड़ा हूं, ऐसी बात नहीं है। हरि कथा बोलने का मौका गुरु वैष्णव जो दे रहे हैं कि इसका मतलब है मैं कितनी समझ में आया इस बात को। संतों तो चेहरे में नहीं पता चलेगा, उनकी वाणी से पहचान है। साधु संतों की वाणी की पहचान है और उनकी व्यवहार से पहचान है। तो इसलिए हरि गुरु वैष्णव है ना, गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाश। मठ मंदिर बहुत है, यहाँ पे जैन मंदिर भी बहुत है, वहां पे गुरु होंगे भगवान नहीं होगा। आबार कोई मंदिर है वहां पे भगवान होंगे लेकिन गुरु नहीं होता। आबार कुछ ऐसे मंदिर है जहां गुरु भी है भगवान भी है। ये कहाँ पे है, ये एक मात्र वैष्णव संप्रदाय में है और कोई संप्रदाय में नहीं होगा। इसलिए वो भाग्य है जब हम जो है ऐसे परंपरा में जुड़े हैं ना। हमारे गुरु परंपरा क्या नाम है, संप्रदाय का नाम है श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय सारसत संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्य सारसत गौड़ीय संप्रदाय, सरस्वती धारा। इसलिए भाई इसकी जो है साधारण नहीं समझ, ये ओहो भाग्य पर साधु का दर्शन होने का मतलब ये है भगवान आपको बुला रहे हैं। एक माध्यम होना चाहिए ना, यही माध्यम। तो वैष्णव जब भक्ति करते करते वो अधम से धीरे 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 कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम होंगे, धीरे धीरे होता है। ये ऐसा नहीं कि मैं गुरु महाराज को दिखा करके बहुत साजा बट करूंगा और ऐसी भक्ति करूंगा मैं पहले हो जाऊंगा आगे हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। क्रमे क्रमे लोग पाए विवर सिंधु पर, ये धीरे 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 मतलब बोली श्रद्धा, बोलो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये जगत में तो खाली प्रेम जानते हैं बस, वो भी तो उसको प्रेम नहीं कहा, उसको काम कह रहे, अपनी इच्छा भोग इच्छा। लेकिन प्रेम कितनी ऊपर चीज है बताइए। इसलिए ये गुरुवार वैष्णव की, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में गोस्वामी लोगों की कृपा है जहां हम जो गुरु महाराज से सुना है बता रहा। इसलिए मठ का मतलब है मठंती पठंती छात्र यात्रा है ना, जहां पर परमार्थ कमाने के लिए छात्र लोग रहते हैं उसको मठ कहते हैं, समझ में। इसलिए महाराज जी की इन कथा के प्रति उत्साह और कथा में हमेशा जोर देते हैं और महाराज निरंतर भागवत भी रहते हैं, भागवत इतनी भागवत मेरे ख्याल
हमारे मठ से तो बाहर भी मठ भी इतना कोई भागवत करते थे। तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, मैं प्रार्थना करूंगा उनका अपने शरीर का भी ध्यान देंगे, क्योंकि उनको हमें जरूरत है। ऐसे महाराज ऐसे गुरुजन लोग जगत में रहेंगे तो कल्याण होंगे। तो इस प्रकार है ना, हमें विचार रखना है और हम के शासन करते हैं जो साधन भजन में आगे बढ़ाते हैं, है ना, वही हमारे लिए गुरुजन है, गुरुवर्ग है। इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करना है, अनादर नहीं करना है। महाप्रभु की जो विचार है ना, कोई भी गुरु है ना निंदा करने के लिए कोई नहीं कहेंगे, है ना। कोई भी धर्म है, जो धर्म हिंसा करने के लिए कहते हैं वो धर्म का भी आत्म धर्म नहीं हो सकता है ना। इसलिए आत्म धर्म, गोहत्या करना तो पाप है, लेकिन वैष्णव लोग क्या कह रहे हैं, जीव हत्या करना भी पाप है ना। ये किसी चेटी को भी दावा के मार रहे वो भी पाप है। ये श्रीमद् भागवत में जड़ भरत शिक्षा उनसे मिलती है। हम जब रास्ता में चलते हैं तो वो भी देख के चलना चाहिए, है ना। ये जैन मंदिर डर बहुत है, वो भी जब चलते हैं तो झाड़ू मार देते हैं, कहीं कीड़े मकोड़े ना मारे। तो इस तरह से हमारे इस भागवत के विचार है, श्रीमद् भागवत को विचार लेके हमें चल रहा है। और जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो खुद आचरण करते हैं, दूसरे को सिखाते हैं। तो इस प्रकार हमें गुरु महाराज की, जिस जगत गुरु प्रभुपाद जगत गुरु क्यों है बता रहा हूं आपको, क्योंकि उनकी विचार सुनने से पता चलता है ना। प्रभुपाद कहते हैं जो गुरु वही है जो सर्वत्र गुरु दर्शन करते हैं, सर्वत्र गुरु को देखते हैं, गुरु की दर्शन मूर्ति, और हर चीज को भी गुरु के रूप में देख रहे हैं। मिट्टी, जल, हवा, कोई भी वस्तु गुरु की सेवा के लिए है, मेरे सेवा में नहीं है, समझ रहे, वही जगत गुरु है। इसलिए प्रभुपाद किसी को पहचानना है जड़ आंखों से नहीं, उनकी विचार देखो, उनकी ग्रंथ पढ़िए, तभी उनकी भाव को समझ पाएंगे। इसलिए जगत गुरु टाइटल प्रभुपाद क्यों मिला, इसलिए उनकी विचार इस तरह से। कोई भी शिष्यों को प्रणाम करने जाते थे तो कहते थे कि मैं दास अस्मी, मैं दास गुरु नहीं, इस तरह से। इसलिए प्रभुपाद प्रभुपाद क्यों कहते, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसलिए कहते हैं, उनकी विचार जगत वंदनीय है। इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर भी कह रहे हैं ये सब जगत गुरु है। वैष्णव आचार्य मतलब ही जगत गुरु है, जगत के वंदनीय है। तुम्हार वैष्णव, तुम्हार वैभव, वैष्णव तुम्हार, तुम्हार वैभव हमारे करुण दया। वैष्णव तो भगवान की विभूति है भाई, वो तो हमें हमें कृपा करने के लिए है। इसलिए इस सारे विचारों को हमें समझना है, उन विचारों को लेके चलना है। हमें गुरु महाराज कैसे प्रसन्न होंगे, ये सात शिष्य का यही कर्तव्य। इस प्रकार गुरुदेव भगवान वैष्णव का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे कल्याण, आत्म कल्याण कैसे कैसे हो। वही हरि गुरु के रूप में प्रकाश हो रहे, मुक्त जीव, कोई पार्षद होते हैं, कोई मुक्त जीव होते हैं, है ना, ऐश्वरिक शक्ति। और वैष्णव अलग नहीं है ना, उनकी अधिकार के अनुसार उस प्रकार हमें सम्मान मर्यादा देना चाहिए। ये हमारे
रूप गोस्वामी शायद वो कृष्णेति जस गिरिंग तन मन साध रहत इस श्लोक में बता रहे, जो मंदिर में आते हैं हरिनाम दीक्षा नहीं लिया उनको मनी मन आदर करो, और जो दीक्षित हैया दीक्षित हैया भजत हुआ बोलो तो हरे प्रणत उनको प्रणाम करिए क्योंकि वैष्णव बने, और जिनकी दर्शन पवित्र हो रहे उनकी सेवा करने से ही हमारे कल्याण, इस प्रकार व्यवहार है। इस प्रकार जब हम निष्कपट होकर के भजन करेंगे तब गुरु वैष्णव सिखाएंगे धीरे धीरे, और जब अंदर छल कपट भरा रहेगा तो वो कपट कृपा कर देंगे, सम्मान दे देंगे, अरे आप तो बहुत मुड़ान है महानुभव है ये वंचना कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न पावा, तुलसीदास जी ने सुंदर। तो बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर बड़ौद में तो हर साल आते थे, हमारे बलराम प्रभु जब से चले गए तब से इधर आना कम हो गया, तो हर साल महाराज जी हमें भागवत में बुलाते थे, और कोरोना में 2 साल रथ यात्रा नहीं हुई। तो इस प्रकार हम चाहते हैं भगवान प्रभुपाद की विचार उनकी प्रचार हो और भी बड़े भक्ति करे, यही गुरु वैष्णव की इच्छा होती है। और महाराज जी इतनी सुंदर, इनकी इतने सुंदर स्वभाव है, जन मुस्कुराते जन मतलब फूल खिल गए, कमल खिल गए, बोलो गुरुदेव श्रीधर महाराज की जय, बोलो गुरुदेव की जय श्री हरि। उनके स्वभाव मैंने किसी के ऊपर रुष्ट होकर के बात करने नहीं देखा, अगर रुष्ट हो गया तो बिल्कुल मीठी मीठी शासन करते। इस प्रकार उनकी इतनी महिमा है, वैष्णव की पहचान उनके साथ रहा। महाराज जी पहली इच्छा जब मैं ब्रह्मचारी था तो उनकी इच्छा थी कि रूप सनातन में पुजारी नहीं था ठीक से ना, तो पुजारी बनाने की इच्छा था मानी, तार पर तो सन्यासी रमन बिहारी में वहां ही गुरु जी नारायण से मैंने बोले यहाँ रहो, तब से रह रहे। तो महाराज मुझे बहुत स्नेह करते हैं, तो हमारी भी इच्छा है गुरुवर्ग जैसे चाहते हैं हम उसी हिसाब से जो है प्रचार प्रसार करेंगे, और हमारे गुरुवर्ग प्रसन्न होंगे यही हमारी इच्छा है। और मुझे तो योग्यता नहीं है कुछ, महाराज ने आदेश दिया है उनकी कृपा, और हमें आज जाना है, तो मैं चाहता हूँ महाराज जी कुछ शब्द बोलेंगे। और बड़ौद में बहुत सुंदर प्रचार हो रहा है, और कोरोना काल में भी यहाँ पे तो कोरोना की कौ भी नहीं है, है ना, और महाराज जी की हरि कथा की प्रभाव है, इस तरह से बहुत अच्छा। मंदिर ताला लगाया, सब लोग प्रसन्न रहे खुश रहे, और हम भक्ति करें उनकी उनकी जो दिए वाणी है उपदेश को हम अक्षर अक्षर में पालन कर पाए, ये आशीर्वाद कृपा भिक्षा करते हुए कथा को यही विराम दे रहा हूँ। बोलो एकादशी तिथि की जय, परिवासर की जय, जय तिथि पालन करी भक्त वृंद की जय, बोलो गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज की जय, गुरुजी श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, जय परम पूज्य रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय, परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज जय, प्रभुपाद की जय, जय पूज्यपाद श्रीधर महाराज की जय, सभी भक्त वृंद की जय, गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। जी हाँ जी, पुत्रदाई काशी, पुत्रदाई काशी, पुत्रदाई काशी, आज आज एकादशी होती है,
एकादशी का मतलब होता है 11 से हमारे 11 इंद्रियां हैं, कहते 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, और इनका जो राजा है कभी मन है। आज एकादशी तिथि का दिन क्या करनी चाहिए, कहते ना माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परमादरी बारी, शोध भक्त चरणो भजन ठाकुर कहते हैं। जैसे पहले पहले क्या होता था, जैसे सत्य युग में लोग ध्यान करते थे, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, द्वापर युग में लोग अर्चना करते थे, बोले कली युग में लोग एकादशी करते हैं। इसलिए कहते जो एकादशी तिथि है, कभी ये कली युग में एकादशी को पहले तो नियम था, एकादशी से एक दिन पहले एक बार भोजन करनी चाहिए, अब पूरा पूरा एकादशी का दिन निर्जला करनी चाहिए, और दूसरे दिन अपना टाइम से व्रत पालन करनी चाहिए, द्वादश को भी एक बार करनी भोजन करनी चाहिए, नियम है, है? लेकिन प्रभुपाद ने देखा ये कलयुग का जीव है, वो इतना कर ही नहीं सकते है, इसलिए अगर पूरा पूरा अगर उपवास करेंगे, क्योंकि कलयुग में बताया जीव का जो प्राण ही वो अन्न है, अन्नगत प्राण है, अन्न अगर हृदय में डालेंगे तब जब ये प्राण रहेगा तब तो हम काम सेवा कर सकते भजन कर सकते, अगर अन्न नहीं दिया ना एक दिन भी भूखे रह गए है, किसको बोलो आज ये काम कर दो, आज हमारे व्रत है, आज हमने व्रत रखा है, आज कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने ये विचार को उन्होंने प्रभुपाद थोड़ी सी उन्होंने बदलाया, क्या बदलाया, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं उपवास कहते ना हम लोग उपवास रखते हैं, उपवास मतलब क्या है, कहते उपासमी पे जो वास जीवात्मा परमात्मा न उपवास सब विज्ञान उपवास लंघनम। साधारण लोग का जो धारणा है उपवास मतलब नहीं खाना है, कहते ना हम उपवास मतलब भोजन नहीं करेंगे, प्रभुपाद कहते नहीं, या रूप गोस्वामी कहते नहीं, उप मतलब होता है पास में, बास मतलब बास करना, बोले किसको पास में बास करना, बोले भगवान को पास में बास करना, बोले कैसे, बोले जीवात्मा परमात्मा नो, जो ये जीव जो परमात्मा को पास में बास करे, बोले कैसे बास करे, उनको पास में कैसे बास करे, बोले जस्तु वा गुणैसा, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, जगन्नाथ प्रसाद हरि, इसलिए जब हम लोग भगवान का कीर्तन भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, और उनको पास में ही वास करना है, असली वास है जब उनकी कथा सुने कीर्तन करे, असली वास इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना उपवास लंघनम, नहीं खाने से उपवास नहीं होता है, ये एक अर्थ बताए। दूसरा अर्थ बताए उपावृतस्य पापेभ्य जस्तु वा गुणैः उपवास सब विज्ञान शरीर विशेषणम्। हम लोग उपवास मतलब समझते हैं शरीर को कुछ नहीं खाना है, शरीर को सूखा रखना, भोजन नहीं करना, उसको कहते हैं उपवास। लेकिन रूप गोस्वामी कहते नहीं, उसको उपवास नहीं कहते, कहते उपवास का मतलब होता है उपावृतस्य पापेभ्य, मतलब आज का दिन समस्त प्रकार पाप को त्याग करनी चाहिए, उपावृतस्य पापेभ्यो जस्तु वा गुणैः, हाँ उनको गुणगान करते हुए बोले उपवास सब विज्ञान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ही उपवास कहते हैं, न शरीर विशेषण, ये शरीर को सुखाने से उपवास नहीं होता है। इसलिए नियम है एकादशी का दिन क्या करनी चाहिए, दूसरे दूसरे दिन जितने हम ठाकुर को सेवा करते थे, हाँ जितने हम ठाकुर का सेवा करते थे, जितने हरिनाम करते थे, आज का दिन क्या करो,
ज्यादा से थोड़ी सी ज्यादा हरि नाम करो आज का दिन एकादश का दिन है। एकादश का दिन हमने सुना प्रभुपाद का जो शिष्य कुछ थे वो क्या करते थे, उस समय कुछ बच्चे आते थे मंदिर में पर देखो उनको लोग देते तुमको मुखली खिलाएंगे। आज रात भर कीर्तन करना, रात भर एकादशी का दिन क्या करते थे, एकादशी का दिन सारा रात कीर्तन करते थे। इसलिए हम लोग भजन गाते हैं ना, श्री हरि बसरे हरि कीर्तन विधान नृत आर बिला प्रभु जगते रपान पुन्ना भंत श्रीवास गणेशो भरम उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। यदि श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु रात भर कीर्तन कर, उस दिन नहीं सोते थे, रात भर कीर्तन करते थे महाप्रभु। इसलिए कहते कलयुग में जो व्रत है, कलयुग में जो साधन है ना, वो एकादशी है। जैसे दूसरे दूसरे युग में ध्यान यज्ञ पूजा, कलयुग में एकादशी, कलयुग में यही तपस्या है, मतलब कुछ नहीं भजन करना है करके सारा दिन, क्योंकि भजन करेंगे तो फिर उसके लिए बनाओ खिलाओ ये सब कुछ करो, समय उसमें चले जाएगा। इसलिए ज्यादा समय उसमें नहीं देकर क्या करो, ज्यादा समय आज हरि नाम करो, कीर्तन करो, सीधा साधारण रूप में हाँ सीधा साधारण रूप में भजन लेकर के भजन करने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद इतने दयालु, आप देखना दूसरे दूसरे दिन जितना समय भोजन में जाता है आज का दिन ज्यादा है, क्योंकि बढ़िया पकड़ा बना है, इसलिए पकड़ा बना कुट्टू का आटा का पकड़ा बना, फ्रूट क्रीम बनाओ, सब्जी बनाओ है, खीर बनाओ है। इसलिए कोई बोलते तो भले ही दूसरे दिन से खीर नहीं बने, एकादशी का दिन तो खीर बनेगी, दूसरे दिन भले फुकड़ा नहीं खाते, एकादशी का दिन फुकड़ा खाते ही है। जब मैं मथुरा बैठ रहा है ना, मैं जिंदगी में कभी एकादशी में कभी फुकड़ा नहीं खाई, हम जगन्नाथपुरी में तो कुट्टू आटा है ही नहीं, मथुरा में आया तो प्रेमानंद पूरे गरम गरम पकौड़ा, बोले आज का दिन पकौड़ा पकौड़ा बढ़िया पकौड़ा देसी घी से, हाँ देसी घी से, जब मथुरा में आया देसी घी से पकौड़ा, बोले वाह। प्रभुपाद ने दयालु है, प्रभुपाद ने बोले देखो जानते हैं कलयुग का जीव का स्थिति को, बोले एक काम देखो अगर एकदम अगर प्रसाद नहीं लेंगे तो दिन भर सोते रहेंगे कुछ करेंगे नहीं, नहीं आज का दिन अनुकल्प करो। अनुकल्प मतलब होता है चार भाग से एक भाग प्रसाद पाना, नियम है नियम, और सारा दिन हरिनाम कर भजन करो। अभी तो अनुकल्प नहीं बृहद कल्प हो जाता है, बृहद रूप में हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद दयालु है कलयुग में जीवों को, बोले कोई बात नहीं भैया बढ़िया से प्रसाद पाओ, इसलिए आकंठ बढ़िया करो प्रसाद सब, प्रसाद पाओ लेकिन क्या करो मुख्य भरिया बोला हरिनाम, कहते एकदम प्रसाद पाओ ज्यादा, लेकिन उस दिन क्या करो ज्यादा से ज्यादा क्या करो हरिनाम करो, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करो। इसलिए गुरु वर्ग ने प्रभुपाद ने ये दे दिया है। जब मैं पहले पूरी मठ में आया, मैं तो उसमें बच्चा था, मेरा 14 साल होगा मेरे लगता है, 14 साल ऐसे बचपन में मैं आया। अभी बचपन में तो भोजन करने का, बचपन में तो सवेरे उठते ही भूख लगता है। गुरुदेव मेरे को बोले देखो जो आज एकादशी है इसलिए आज सवेरे प्रसाद नहीं मिलेगा, 12 बजे को बाद में प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, हम भी कभी कभी शिव चतुर्दशी करते थे, शिव चतुर्दशी करते थे इसलिए कभी हम बचपन में व्रत भी किया, बचपन में खेलते खेलते पता नहीं कितना समय चले जाता था। बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। इसलिए लेकिन जो एकादशी का जो तात्पर्य है, कहते एकादश इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही यही असली एकादशी है। अगर दिन भर आपने भोजन नहीं किया लेकिन सोते रहे, इसलिए प्रभुपाद बोले नहीं प्रसाद लो और ज्यादा से ज्यादा भगवान की भजन करो, हैं भगवान की भजन कर ज्यादा से ज्यादा। और जब नवद्वीप धाम में महाप्रभु रहते समय हैं क्या महाप्रभु जी को घर में प्रसाद बन रहा था, क्या ना
हिरण्य गर्भ था, इसलिए महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे एकादशी का दिन किया, मैं ठाकुर जी के लिए एकादशी नहीं, एकादशी तो हम लोगों को करनी चाहिए, उसी दिन ठाकुर जी के लिए नियम है बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ। कारण है हम लोग बद्ध जीव होने का नाते जब पनीर का सब्जी बने ना, पनीर सब्जी बन रहा है मतलब पहले खाने की इच्छा हो जाती है, आज बढ़िया पनीर बन रहा है। लेकिन एकादशी का दिन आप देखिएगा जब ठाकुर जी के लिए कोई चीज बनाते हैं, पता है ना आज का दिन हम इसको भोजन नहीं कर सकते है, इसलिए कहते उसी रूप में उसी दिन शुद्ध रूप में ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। नियम है एकादशी का दिन ठाकुर को एकादशी नहीं रखवानी है, ठाकुर की तो अन्न रोटी पराठा है, और उसी दिन बल्कि नियम है उसी दिन बढ़िया से बढ़िया ठाकुर को प्रसाद देनी चाहिए। क्यों? उसी दिन पूरा निष्काम रूप में है, निर्लोभ रूप में बनता है। क्यों? हम इसको भोजन नहीं कर सकते है, आज केवल ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो तिथि है कौन सा तिथि, बोले माधव तिथि भक्ति जननी। इसको क्या बताया? बोले माधव तिथि, ये तिथि किसका? जैसे सोमवार करते हैं भोले बाबा के लिए, मंगलवार हनुमान के लिए, बुधवार गणेश जी के लिए, बृहस्पतिवार लक्ष्मी के लिए, शुक्रवार संतोषी माता के लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग व्रत रखते हैं। लेकिन जो एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत किसके लिए है? बोले माधव तिथि, ये भगवान कृष्ण का ही तिथि है, भगवान कृष्ण का ही तिथि है। इसलिए जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को खुश करोगे? हैं? एक को मनाओ दूसरा मुंह लग बैठ जाएगा। लेकिन एकादशी व्रत जो कर लेते हैं फिर उनको कोई भी व्रत रखने का जरूरत नहीं, कोई हम लोग कोई व्रत नहीं रखते, एक एकादशी व्रत रखते हैं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए, माधव संतुष्ट हो गए, उनका अंदर में 33 करोड़ देवता तो अपने आप खुश हो गए। जा पर कृपा हरि की हो ता पर कृपा करे सब कोई। अगर हमने सारे व्रत रख रहे हैं लेकिन एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, सब जीरो तुम्हारी है। इसलिए बोले एकादशी ये क्या है? बोले माधव तिथि भक्ति जननी, इसको भक्ति की जननी बताया, भक्ति की माँ। माँ क्या करती है? जैसे बच्चों को जन्म देती है, लालन पालन करती है, इसलिए भक्ति को जन्मदात्री कौन है? श्री एकादशी तिथि। मतलब एकादशी तिथि किए बगैर कभी भी तुम्हारी भक्ति होने वाले नहीं है। इसलिए एकादशी का दिन अर्ण में जो सबसे बड़े जो पाप, पांच पाप बताया, कहते गोहत्या, एक ब्रह्म हत्या, एक भ्रूण हत्या और पितामह हत्या है। कभी चार जो पांच जो ये महापाप है एकादशी का दिन अन्न में रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करता है उनको ये सारे पाप भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी ये तिथि को कैसे पालन करनी चाहिए? बोले जतने पालन करे, बोले इसको बड़े जतन पूर्वक पालन करो। जतन पूर्वक मतलब है आज का दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर का नाम करो, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर का कीर्तन करो। आज का दिन जतने पालन करनी चाहिए। बोले कारण क्या? बोले कृष्णा बसती बसती बोली परम आदर बनी, इसलिए बड़े जतन पूर्वक करनी चाहिए। आज का तिथि में भगवान का निवास है, माधव जी का निवास आज है। और विशेष करके प्रभुपाद कहते थे जो एकादशी है, कहते एक एकादशी से लेकर दूसरे एकादशी तक एक सच्चे साधक को विचार करनी चाहिए हम भक्ति में कितने बढ़े हैं। प्रभुपाद का विचार था उसको, हर साधक को जो एक एकादशी से लेकर दूसरे एकादशी तक हमारी समय कहाँ बर्बाद गया, कहाँ पर बेकार बैठ करके बकवास हमने किए है, भगवान की भजन भक्ति छोड़ करके दूसरे को निंदा चुगली बुराई की, ये सब चीज को विचार करनी चाहिए है, विचार करनी चाहिए। अगर कहीं अगर हमारी समय गलत काम पर गए तो एकादश से एकादशी लेकर क्या करना चाहिए? नहीं, समय को और हम गलत काम में व्यवहार नहीं करेंगे, भगवान की भजन में लगाएंगे। फिर वो प्रभुपाद कहते थे अगर जल्दी जल्दी किसको भक्ति में बढ़ना है,
हर सप्ताह में विचार करो, हर सप्ताह में विचार करो। कहते अगर इसी जीवन में किसको भगवत प्राप्ति करना है कदिए रोज। इलाहाबाद भक्तिवेदांत श्रील बामरू गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और प्रभुपाद के कुछ शिष्य लोग होते थे, उनका नोटबुक होता था, है नोटबुक होता था, उसमें सोने से पहले जैसे हमारे बामरू गोस्वामी महाराज आज क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ लिखते थे, आज सारा दिन हमारी कैसे गई। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज वो भी लिखते थे, है इसलिए उन्होंने जो अप्रकट हुए उसको निकाल करके उनका जीवन चरित्र को वहां से निकाले, आज क्या हुआ जीवन में कैसे हुआ। एक बार बामनु गोस्वामी महाराज को क्या हुआ, कहीं एक भक्त ने उस दिन बंगाल में पीठा बना होता है ना, पीठा बना समझते हो, हाँ जैसे उसमें बंगाल में वो चीज होती है, आप इस तरफ में नहीं होता है, बनाया था एक दिन, हाँ रोज बनाते है, इसलिए बंगाल में वो ठंडा का समय है ना, वहां पर एक अलग गुड़ है जिसका कहते हैं पाटाली गुड़ है, खेजुर गुड़ है, उसको साथ में देख रहे चकाचक भोजन करते हैं, हाँ उधर बंगाल में बनता है, देखो इधर हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए, खजूर गुड़ नहीं मिलेगा, हाँ इसलिए क्या एक भक्त ने बनाया उधर का बहुत प्यारा भोजन है। तब नियम है ठाकुर के जब हम भोग लगाते हैं फिर वो प्रसाद गुरु जी को भोग लगानी चाहिए, जब उन्होंने गुरु जी को भोग लगाकर ध्यान करते हैं गुरु जी को, जब उन्होंने बैठ करके उन्होंने गुरु जी को मंत्र पढ़ करके गुरु जी को ध्यान किया ना, देखा सचमुच से बामनु गोस्वामी महाराज आ गए और आकर भोजन कर रहे, उन्होंने सचमुच से देखा उनको, जब दर्शन किया इतने प्रेम में गदगद हो गए, इतने खुश हो गए गुरु जी आकर भोजन किया। लेकिन जब उन्होंने फिर नवद्वीप परिक्रमा में वो माता जी आई तब तो गुरु जी को पास में गए, बोले गुरु जी एक दिन आपका हमने बढ़िया बढ़िया हमने भोजन बनाया था पिठा बना, आपको याद किया आप तो आकर भोजन कर रहे थे, क्या सचमुच से मेरे घर में आए थे। तब उन्होंने बोले बताओ कौन सा डेट में बता, तब उन्होंने बताया अमुक दिन, तो महाराज जी ने अपना नोटबुक निकाले, नोटबुक निकाल करके हाँ वहां पर लिखा हुआ हमको भक्त ने हमें बुलाया उनको घर में जाकर हमने भोजन करके आए हैं, फिर उन्होंने देखा सचमुच से लिखा हुआ इस दिन गया था तुम्हारे घर में जाकर हमने उस दिन हमने भोजन किया है। इसलिए कहते वो रोज नोटबुक बनाया करते थे, आज का दिन हमारी कितने समय हम भगवान की भजन किए, हरि नाम कितना किया, सेवा कितना किया गुरु वर्गों को, और समय हमारी आज का दिन कोई इधर उधर तो गया नहीं, बर्बाद तो नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन क्या करते थे, अगर कुछ समय उनको कहीं इधर उधर गया तो दूसरे दिन उसको चेक करते थे, नहीं आज का दिन हमारी इतना समय बर्बाद गया इधर उधर बात में गई है, दूसरे दिन हम उसको चेक करेंगे, उस समय हमारे जैसे बर्बाद नहीं जाने चाहिए। प्रभुपाद कहते थे हमने उनका एक शिष्य था अनादि कृष्ण प्रभु, हाँ वो बोलते थे बात को, हमारी मंदिर में आते थे पूरी मंदिर में रथ यात्रा में बोलते थे, कहते प्रभुपाद कहते अगर ऐसे अगर कोई चेकिंग करे ना आपको एक जीवन में भगवत प्राप्त हो जाएगी, समय आपकी बर्बाद जाएगा नहीं कभी, 24 घंटा में 24 घंटा भगवत जो स्मरण करेगा समय इधर उधर नहीं है, भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। इसलिए कहते जो एकादशी तो दिन ही है ये विचार करने का दिन, एक एकादशी से लेकर दूसरे एकादशी तक हमने भक्ति में कितना बढ़े हैं, कितना हरिनाम बढ़ाया, कितने सेवा बढ़ाया, कितने हमारी भक्ति बढ़ी है, ये विचार करने का दिन आज है, है? इसलिए आज एकादशी आई है और पुत्र एकादशी क्या करती है, नंद जसोदा ने कृष्ण पहले घर में कृष्ण नहीं थे, श्री नंद बाबा ने बहुत यज्ञ दान पुण्य उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन उनके घर में पुत्र नहीं हुआ, लेकिन जब पुत्र एकादशी व्रत किए ना फिर उनको ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने ही स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुटमसो क्रीडांगमयम लोक्यते। जो उन्होंने एकादशी व्रत की उन्होंने क्या देखा स्वप्न में, ब्रह्म मुहूर्त में मैया जसोदा की गोद में श्याम सुवर्ण सा किलकार मारते हुए स्तनपान कर रहे, दोनों धार से दूध बहते बहते जा रहा है, और मैया जिस तक देखा मेरे पीछे मां मां करते करते बच्चा आकर के बच्चा मेरे को गोद में ले लिया, मेरे को
कृष्ण जन्म हो गए। तो वहां पर कहते हैं उनने दूसरे दूसरे तो व्रत किया था लेकिन कृष्ण क्यों नहीं हुए, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी में क्यों कृष्ण हुए? बोले कारण है जो एकादशी है ये माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी व्रत से ही भगवान संतुष्ट होते हैं, वो तिथि माधव का ही तिथि है, इसलिए जो एकादशी व्रत करेगा उसको क्या होगा, उसको भगवान स्वयं पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, भगवत प्राप्ति उसको जरूर रहेगा। इसलिए यहाँ पर जो पुत्रदा साधारण लोग के लिए तो पुत्रदा है, लेकिन हमारे लिए क्या है, कहते हम हमारे लिए भक्ति रूपी जो पुत्र है हमारे हृदय में, ये भक्ति प्रेम रूपी जो पुत्र हमारे हृदय में प्रकट होगा, इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इसलिए आज पुत्रदा एकादशी, ठाकुर जी कृपा करे और हमारे हृदय में ठाकुर जी की प्रकाश हो, भक्ति हो और उनके चरण में हमारी प्रेम बढ़े। ठीक है, पिताई गौर ब्रह्मानंद कृपा सिंधु पावन।